Hi guys, good to see you all. Welcome back. So we are going to discuss this very important Kerala High Court judgment that had recently come, which will talk about abortion में consent. So I think abortion क्या होता है, हमने recently medical termination of pregnancy act के बारे में भी पढ़ा था कि इंडिया में क्या लॉ है. So everybody would have a fair idea about it. So in this session, I would try to explain as to what is this judgment about and what is the use of consent in case of abortion. Consent की जहाँ पर हम बात आती है तो हम offences against women के बारे में बात करते हैं. If we talk about sexual harassment, rape, वहाँ पर consent की बात ज़्यादा आती है. तो abortion में क्या consent आया है, why is it important, मैं इस particular session में आपसे discuss करूँगा. Right? I will not take more than 15 minutes of your time. It will be very quick session. And we'll complete this particular topic. We'll discuss this case. मैं आपको पूरे फैक्ट बताऊंगा इस आर एम ऑल केस के जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. इट्स अ केरला हाई कोर्ट जजमेंट विच अफर्म्स द राइट्स ऑफ वुमेन व्हेन इट कम्स टू कंसेंट इन केसेस ऑफ अबॉर्शन. राइट, तो मैं आपको प्रॉपर फैक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ में वी गोना बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स. चलो तो आई थिंक लेट्स बिगिन क्विकली, है ना, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आई एम परफेक्टली फाइन, आई होप यू गाइस आर ऑल्सो डूइंग वेल. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अबॉर्शन क्या होता है. अबॉर्शन का मतलब होता है वॉलेंटरली टर्मिनेटिंग वंस प्रेगनेंसी, है ना, आप अपनी मर्जी से अपनी प्रेगनेंसी को खत्म कर रहे हो. तो इंडिया में जो अबॉर्शन का लॉ है, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971. इसमें 2021 में बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स आए थे. राइट, तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था कि 1971 में जो एक्ट आया था ना, उसमें ऐसा था कि आप 20 वीक्स तक अबॉर्ट कर सकते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर की वो लेकर, एडवाइस लेकर. इसको बढ़ाकर अभी, इसको मतलब एक्सटेंड कर अभी 24 वीक्स कर दिया. ठीक है, सो नाउ यू कैन टेक, यू कुड से यू कैन अंडरगो अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स. इसके बाद भी जो मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो विक्टिम्स हैं, दे कैन गो फाइल अ रिट पिटिशन इवन आफ्टर 24 वीक्स. तो वो रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, इवन आफ्टर 24 वीक्स दे कैन गो अहेड विद इट. राइट, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो विक्टिम्स हैं, दे कैन गो अहेड एंड फाइल अ रिट पिटिशन, और वो आगे भी कर सकते हैं. इसमें एक और क्राइटेरिया होता है, जैसे मान लो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, और जब मान लो 8th या 9th मंथ में कभी जब बच्चा मतलब फाइनली you know, he or she is going to be born now. तो अगर उसमें women की जो उसकी woman है या फिर उसकी mom है, उनकी life endanger हो रही है, if her life is endangered, उस circumstance में कभी भी कर सकते हो आप. ठीक है, उस circumstance में ये timeline follow करने की जरूरत नहीं है. तो अगर life endanger हो रही है, इतने complications है pregnancy में, then at any point in time the pregnancy can be terminated. तो ये basic से कुछ rules हैं, है ना, these are certain very basic rules of you could say pregnancy termination. देखिए एकदम simple है, nothing to worry about, nothing to kind of go too deep into it. हमने इसको already discussion कर लिया. Let me come directly to the RMOL case की what is this case all about. So एक RMOL versus Union of India and others करके एक case है, जहाँ पे Kerala High Court allowed a lady who claimed to be divorced from her allegedly violent husband to end a 21 week pregnancy. तो उनका 21 वीक लॉन्ग प्रेगनेंसी था, एंड शी वांटेड टू एंड दैट प्रेगनेंसी. वो चाहती थी कि उस प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया जाए. शी डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको हस्बैंड का अप्रूवल चाहिए. लेकिन वेर एवर शी वेंट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, जहां पर भी वो गई अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने, उनको मना कर दिया गया कि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते अपने हस्बैंड के कंसेंट के बिना. जब तक आपके हस्बैंड का कंसेंट नहीं होगा, तब तक वो भी हाँ नहीं बोलेंगे, आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्रिएटेड बाय द एमटीपी एक्ट, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी व्हिच इज विडोहुड एंड डिवोर्स इज वन क्राइटेरिया फॉर ऑथराइजिंग अबॉर्शन बिटवीन 20 to 24 वीक्स. तो अगर मान लो आप यू आर प्रेगनेंट एंड आपको 20 से 24 वीक में अपना प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाना है, तो लाइक सम ऑफ द रीजंस कुड बी कि मान लो आप विडो हो गए, नाउ यू डू नॉट वांट द चाइल्ड बिकॉज आपको लग रहा है कि इसका ध्यान कौन रखेगा, या फिर आपका डिवोर्स हो गया, सो यू डू नॉट वांट दैट चाइल्ड एंड वांट टू गेट दैट चाइल्ड अबॉर्टेड. आपको वो चाइल्ड को अबॉर्ट कराना है, तो आप करवा सकते हो. लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये जो वुमन थी ना, इसका हस्बैंड वॉज वेरी अब्यूजिव. ठीक है, वो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करता था, एंड इन्होंने प्रॉपरली जो होता है ना कि
ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लिया था, ठीक है, उन्होंने एक ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लिया था, उन्होंने फाइल वगैरह नहीं किया था प्रॉपरली। सो अ ड्रास्टिक चेंज इन मैट्रिमोनियल लाइफ हैज अकर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ प्रेग्नेंट वुमन इन द इंसिडेंट केस वाज नीदर लीगली मैरिड नॉट डिवोर्स अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। सो दिस चेंज इज एविडेंस बाय द फैक्ट दैट शी फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑल्सो अगेंस्ट हर हस्बैंड वेयर शी हैज शोन दैट नो साइंस ऑफ वॉन्टिंग टू स्टे विद हर। तो वो हस्बैंड उसको घर से निकाल दिया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसकी फैमिली से, ऑल दो इन लोगों ने साथ में शादी की थी, वेयर दी यू कुड से दे मैरिड अगेंस्ट दी फैमिली इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों ने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी की थी, बट स्टिल द हस्बैंड वॉज नॉट कंसर्न एट ऑल एंड ही यूज टू बीट हर अप, ही यूज टू यू कुड से अब्यूज हर अलॉट इन एवरी वे पॉसिबल। तो शी काइंड ऑफ हैड लेफ्ट दैट हाउस। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंट जजमेंट आया, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अदर, इन विच पर्पसफुल इंटरप्रिटेशन की एमटीपी एड कर बोले कि प्रेग्नेंट वुमन अब्रप्ट चेंज इन हर मैरिड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट्स अ चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑल्सो। तो अगर वुमन चाहती है, इफ द वुमन वॉन्ट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर वुमन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है देन शी कैन डू दैट, शी हैज फुल राइट्स टू डू इट। So according to the ruling in Sujita Srivastava versus Chandigarh administration, a woman's right to choose her reproductive options is a component of her personal liberty as defined by Article 21 of the Constitution. ठीक है, यहाँ पर कोई women कहीं भी MTP Act में ये नहीं दे रखा है कि the woman has to ask the man before undergoing termination of pregnancy. ये कहीं भी नहीं दे रखा है। So there can be no limitations placed on women's ability to exercise their reproductive choices, either to have children or not have children. That is solely the women's right to decide whether she wants to have children or not. Nobody can tell her ki aap kuch bachche hone chahiye, nobody can tell her ki aapko nahi hone chahiye. She will decide it for herself because she has to undergo everything and she will decide for it. So if taken in comprehended and manner stated above, pregnant woman abrupt shift in her married life is similar to change of her marital status and the right cannot be in any way limited or qualified by the term divorce. So even though unka officially divorce nahi hua tha, court ne yahan par bola ki she will have all the right to terminate her pregnancy. Theek hai, wo apni pregnancy terminate kar sakti hai, unka divorce nahi hua hai to bhi, because jis tarah se abhi wo log reh rahe hain alag alag, anyway unka na wo married life properly raha hai, but we understand ki divorce bhi nahi hua hai. So, क्योंकि उनका वो मैरिटल पूरा वो तरीका ही चेंज हो गया, वुमेन का अब्रप्ट शिफ्ट आ गया मैरिड लाइफ में, दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड देयर चेंज इन हर मैरिटल स्टेटस। हॉस्पिटल्स ने मना इसलिए कर दिया था बिकॉज उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, शी डिड नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट टू शो कि उनका डिवोर्स हुआ है। तो 21 से 24 वीक्स में आपको शो करना पड़ता है ना कि आपका डिवोर्स हुआ है, तो उनका डिवोर्स नहीं हुआ था एंड शी डिड नॉट बेसिकली शो दैट, बट शी सेड कि भाई I do not live with this man anymore. I do not want this child. इसमें कुछ भी, तो वो मान नहीं रहते हॉस्पिटल वाले जब भी वो गए। So this part says that Medical Termination of Pregnancy Act does not contain any language requiring the women to get her husband's consent before ending the pregnancy, which is an important additional point to highlight due to the fact that women experience of the stress and strain associated with pregnancy and delivery. ठीक है, तो it is definitely upon the women to, because she is going to undergo all that stress, strain, and all the kind of pains during the pregnancy, right? So here the court granted the request made by the pregnant woman who was 21 years old and wanted her pregnancy which was 21 weeks old. So here the 21 saal ki woman thi, uski pregnancy 21 weeks long thi. So here the court ne allow kiya ki you can get your pregnancy terminated and you do not have to take your husband's consent for it. So while studying her bachelor's degree and while he was a bus operator in the neighborhood, the petitioner met and wed her husband against the objections of the family. So main aapko wahi bata raha hu ki yahan par these people had married against the objections of the family. The marriage did not turn out to be too well. The husband turned out to be very abusive in the relationship. So yahan par the petitioner claimed that after their marriage, the husband and his mother mistreated her by making dowry demands as well. Unhone unka ye bhi kehna tha that there were certain dowry demands that were made by the in-laws. She further claimed that the spouse denied being the father of the unborn child and declined to offer emotional and financial support. So he used to kind of target the woman and you could say a lot of bad things about her character. Then he used to say, this is not my child. And I don't know whose child is this. So
सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो मतलब यहाँ पर चलती थी, तो ही डिड नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. यहाँ पर वुमेन डिड नॉट वॉन्ट दिस चाइल्ड एनी मोर बिकॉज शी वॉज वेरी श्योर दैट शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टे विद दिस मैन. सो दी स्पेशलिस्ट एट द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक शी विजिटेड टर्न डाउन द रिक्वेस्ट टू एंड द प्रेगनेंसी. वाई? बिकॉज देर वॉज नो ऑफिशियल पेपर वर्क प्रूविंग हर सेपरेशन फ्रॉम और डिवोर्स फ्रॉम हर स्पाउस. कोई भी ऑफिशियल पेपर वर्क नहीं था जो आपको ये बता रहा था कि अपने स्पाउस से डिवोर्स ले चुके हो. एंड एज अ रिजल्ट शी वॉज टर्न डाउन बिकॉज जो प्रेगनेंसी था वो भी 21 वीक्स से ऊपर हो चुका था. तो इट वॉज फॉलिंग इन दैट 21-24 वाला कैटेगरी. लास्ट पार्ट ऑफ दिस, द कोर्ट नोटेड दैट मेडिकल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन इट्स ऑर्डर हैड रिकमेंडेड एमटीपी बिकॉज कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी वुड बी हार्मफुल टू द पेटिशनर्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो. राइट? तो यू आर गोइंग थ्रू अ रियली रफ फेज इन योर फैमिली और यू कुड से इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. सो यू जस्ट कांट यू कुड से गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एट दैट पॉइंट. दैट वुड ओनली एड टू द मेंटल प्रेशर एंड वुड से वर्जन योर मेंटल हेल्थ. सो द पेटिशनर एनवायरमेंट वॉज अनदर डिसाइडिंग फैक्टर मेंशन्ड बाय द कोर्ट. कि जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक अलग तरीका है कि आप डिसाइड करोगे. तो इन इन केसेस में क्या होता है ना, इनमें कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं होता. देर आर लाइक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन टू फाइनली कम टू अ कंक्लूजन कि यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना चाहिए, अबॉर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो बहुत ही क्लियर सर्कमस्टांस है कि वुमेन जिस एनवायरनमेंट में रह रही है और वो जिस तरीके से रही है, शी वुड नॉट वॉन्ट द चाइल्ड ऑफ दैट मैन. So it is clear from the allegations and defenses that petitioner is a member of society's underprivileged group and lacks the resources to raise a child on her own. So it has become very clear ki bhai wo nahi khud se us bacche ko bada kar payegi, and that is why she does not want to give birth to the child. Documents also show that petitioner husband had declined to go to the hospital with her from beginning of her pregnancy. Therefore the petitioner is also denied access to emotional assistance yahan pe. So husband was extremely aap keh sakte ho ki useless. है ना? तो वो तो मतलब he was not there at any point in time in the pregnancy and she does not want to go ahead with the pregnancy at this point now. So the issue before the court was whether petitioner's request for termination to end the pregnancy could be granted even though she does not meet the requirements of a woman who can legally end pregnancies. तो क्या उसको हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर उनको properly rules वगैरह पढ़ के उन्होंने बोला unquestionably petitioner marriages changed drastically and after she became pregnant. So therefore she will be allowed. So she was allowed to undergo pregnancy. तो इसको काफी ज्यादा एक progressive judgment बोला जा रहा है, which is you could say protecting a woman, right? Because although we have a law on abortion, हमारे पास abortion के अंडर law है, but problem क्या है ना, उसको बहुत ज्यादा strictly और abruptly apply किया जाता है. It is not applied quite like काफी properly apply नहीं होता ये. So that is why this law is so poorly applied that these kind of issues crop up at different points and वो court फिर court kind of takes cognizance of these issues and decides as to how to go about these things. Right? तो यही छोटा सा केस है बस. That is it from my end. ठीक है, I told you I will not take a lot of your time. तो I took less than 15 minutes of your time and we quickly completed it. Right? तो यही केस है RMOL केस. अब why are we doing this cases? एक तो ये knowledge important है कि law में क्या चल रहा है, and secondly these kinds of cases can also become passages in your legal reasoning वाला part. है ना, लीगल रीजनिंग वाले पार्ट में पैसेजेस बन सकते हैं. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड गाइस. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई विल सी यू अगेन वेरी सून. थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय. हस्बैंड का कंसेंट जरूरी नहीं है. हस्बैंड का कहीं भी दे नहीं रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के कंसेंट से उसकी वैल्यू ही नहीं है. बट ये जो पर्टिकुलर केस है यहाँ पर तो एकदम अब्यूजिव हस्बैंड था ना, तो कोई उसका वैल्यू नहीं है. फिर सैंपल पेपर आ गया तो अपने अपने अकाउंट्स में जाके जिन्होंने पूरा फॉर्म भर दिया और पेमेंट भी कर दिया उनको अवेलेबल रहेगा सैंपल पेपर, आप जाकर देख सकते हो.